In this question, we have given that omega is a complex cube root of unity. Then we have to find the value of 1 minus omega plus omega square into may 1 minus omega square plus omega raised to power 4 into 1 minus omega raised to power 4 plus omega raised to power 8 into 1 minus omega raised to power 8 plus omega raised to power 16. इसकी हमें value निकालनी है. तो अगर ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो यहाँ से हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं वन माइनस यहाँ से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, इक्वल टू माइनस ओमेगा. ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा. तो है वी कैन राइट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा एक पहले से ही है. ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा रेज टू पावर फोर. ओमेगा रेज टू पावर फोर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, वन. तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ ओमेगा. तो हम यहाँ के लिख सकते हैं वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा वन माइनस. हमने देखा हम ओमेगा रेज टू पावर फोर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा. तो यहाँ हमने लिख दिया ओमेगा प्लस में. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास है ओमेगा रेज टू पावर एट. ओमेगा रेज टू पावर एट को हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर सिक्स इंटू में ओमेगा रेज टू पावर टू. ठीक है, और ओमेगा रेज टू पावर सिक्स को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ओमेगा क्यूब का स्क्वायर. ठीक है, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन. तो ये इसे क्या लिख सकते हैं, वन इंटू में ओमेगा स्क्वायर. तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू में वन माइनस ओमेगा रेज टू पावर एट को क्या लिखा हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा रेज टू पावर सिक्सटीन है. ठीक है, ओमेगा रेज टू पावर सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं, हम ओमेगा रेज टू पावर फिफ्टीन इंटू ओमेगा. ठीक है, एंड ओमेगा रेज टू पावर फिफ्टीन को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू इंटू में फाइव, क्योंकि थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन. ठीक है, इंटू में ओमेगा. तो ओमेगा क्यूब वन होता है, तो ये वन हो जाएगा और यहाँ सिर्फ ओमेगा बच जाएगा. तो ये ओमेगा बच जाएगा. ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं वन प्लस ओमेगा की. यहाँ से अगर वन प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस टू ओमेगा. यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर. यहाँ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या, माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा पहले से, माइनस टू ओमेगा. ठीक है, अगेन वन प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक ओमेगा स्क्वायर पहले से, तो माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो हम माइनस 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 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा. टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू की पावर फोर, इसे हम लिख सकते हैं सिक्सटीन. सिक्सटीन इंटू में अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा. और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, वन. तो ये हमारे पास दोनों वन आ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटीन. तो सिक्सटीन इज द आंसर.